अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं जनाब। मैं हूं मेहर फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुंडा सेलमैन। जनाब वाला, मैंने 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी रेज़र के ऊपर। तहारत नाम का रेज़र था जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी दोस्तों ने वो डिमांड की थी। वो मुझे कॉल कर रहे थे कि आप हमें वो माल दें, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था कि मतलब मैं इसे खुद होलसेल रेट पे सेल नहीं करता, बल्कि मैं ये परचून सेल करता हूँ, अपने स्टोर पे रखता हूँ, मैं सेल्समैन से ये ख़रीदता हूँ। ये मेरी नज़र में भी न्यू प्रोडक्ट थी और इसकी क्वालिटी कमाल थी, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। काफ़ी दोस्त जो है वो इसे ख़रीद के लाए थे, आज भी वो ख़रीद रहे हैं और इसका मतलब है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो थोड़े ही दिनों बाद, मतलब को 2-3 महीनों के बाद इसका रेट अप हो गया। मेरे पास तहारत रेज़र पड़ा हुआ है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, 2 पैकिंग में है मेरे पास। इसका रेट अप हुआ तो मेरा ख्याल है कि 50-60 रुपये इसका रेट अप हो गया था। तब मैंने रेट दिया था 400 रुपया। तब मुझे एक दो दोस्तों ने कॉल की कि हमें 350 तक, 370-380 तक ये मिल रहा है। तो भाई बड़ी खुशी की बात है कि उसकी वजह ये थी कि देखें, ये जो तहारत रेज़र है मेरे पास, ये ओरिजिनल है, ये कॉपी नहीं है। तो एक पैकिंग ये है और एक पैकिंग ये वाली है। अभी जनाब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 24 रेज़र मेंशन है और ये जो पैकिंग दूसरी है इसके ऊपर भी 24 रेज़र मेंशन है। अभी मैं जो आपको रेट इसका बताने जा रहा हूँ, तब का रेट और आज का रेट कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तब ये पड़ रहा था 16-17 रुपए में, आज ये पड़ रहा है मुझे 20-21 रुपए में, 22 रुपए कर लें, मुझे इतने में पड़ रहा है। मेरे पास एक और रेज़र पड़ा हुआ है। अभी आपने ये मेरी बातें जो है ना बड़े गौर से सुननी है। जो न्यू बंदा काम कोई भी करता है या शौक रखता है ये चीज़ें, ये काम करने में इंटरेस्ट रखता है, तो वो लाजमी इन चीज़ों को बड़े गौर से देखा करे, सुना करे। चाहे मैं ये बातें छोटी छोटी चीज़ों पे मैं ये वीडियो बनाता हूँ और ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। आप जितनी बड़ी बड़ी मार्केट में चले जाएँ, कुछ भी ख़रीदने चले जाएँ, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी, 2-4 बातों का आपको ख्याल रहेगा, तो आप कहीं भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी से मैं कह रहा हूँ। अब देखें, ये चीज़ है हाइजीन रेज़र, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें भी 24 पीस हैं। अभी मैं इसके रेट पे आता हूँ। तहारत रेज़र में 24 पीस हैं, अभी जो रेट मुझे मिल रहा है वो 520 रुपया एक सेल्समैन मुझे दे रहा है। मैंने वो मतलब ख़ुद भी वो अपना उसमें रोज़ी कमा रहा है, प्रॉफिट रख रहा है, वो आगे मुझे दे रहा है। अब 520 रुपये में मैंने कभी उससे बहस नहीं की, वो 520 का दे दे, 530 का दे दे, 550 रुपये का मुझे ये लगा दे, तो मैं उससे बहस नहीं करता। उसकी वजह, जो ओरिजिनल तहारत रेज़र अपना है, दूसरा हाइजीन रेज़र है, वो हम 40 रुपये का सेल करते हैं, और ये जो तहारत रेज़र है ये भी मैं 40 रुपए का सेल करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ और जो कस्टमर इस पे लग जाता है, इसकी क्वालिटी बहुत कमाल है, वो यही चूज़ करता है। तो इसका प्रॉब्लम ये है, कस्टमर इसके नज़दीक इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कापी का जो है ना कापी बन रही है, डुप्लीकेट जो है ना रेज़र बन रहे हैं, तो इसकी समझ नहीं आती, तो जिसकी वजह से कस्टमर पसंद करता है ये तहारत रेज़र को। मैं 3-4 किस्म की ये वैरायटी ख़रीद चुका हूँ, मगर मुझे ये कॉपी ही मिली है। मैंने इतना गौर नहीं किया, ख्याल नहीं किया, तब जाके मैंने ये हाइजीन रेज़र ओरिजिनल मंगवाया। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बात करता हूँ। पहले मैं ये तहारत की आपको मुकम्मल डिटेल के साथ। तो नाज़रीन, बात यह है कि तब जाके मार्केट में ये वाला रेज़र तब 380 रुपए का मिल रहा था एक सेल्समैन को, होलसेलर को 380 रुपए में ये मिल रहा था किसी भी मार्केट से।
ज़्यादातर आपको ये लाहौर किसी भी बड़ी मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है। अब जाके ये 50-60 रुपये महंगा 450 का मिल जाएगा, 470 रुपये का, 80 रुपये का ये मतलब आपको मिल जाए तो तब भी इसका रेट बहुत कमाल है। अभी देखें वो एक सेल्समैन मेरे से ये प्रॉफिट निकाल के कूपन 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये निकाल रहा होगा, मैंने उसे नहीं कभी भी पूछा, वो मुझे दे रहा है 520 में 30 में, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब 20-21 रुपये का मुझे पड़ रहा है, मैं इसे 40 रुपये का सेल कर रहा हूँ, तो इसकी सेल रुकी नहीं है, रिपीट सेल इसकी बहुत कमाल है क्योंकि ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो अभी पहले ये मुझे 450 का मिल रहा था, अभी 520-30 का मिल रहा है, तो कोई डिफरेंट नहीं आया। मगर हाँ ये चीज़ है कि इतना अरसा हो गया मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट आ गया होगा इसके रेट में। आज भी अगर आप मार्केट में जाते हैं ख़रीदने के लिए तो आपको जनाब ये वाला जो रेज़र है ये 450 तक, तकरीबन 450 तक मिल जाएगा। अब 470 रुपये में भी आपको मिल जाता है तो भाई जान आप इसे 550 तक सेल कर सकते हैं, तो प्रॉफिट इसमें बहुत कमाल है। अभी जिस एरिए में आप इसे रख देंगे या ये पहले लोग नहीं इस तारत को जानते, एक बार जिस स्टोर पे दुकान पे आप ये रख देंगे इसने सेल होना ही होना है, ये गारंटी की बात है। अभी इस पे भरोसा इसलिए नहीं रहा कि इसमें इतनी कॉपीज़ हैं कि इसकी समझ नहीं आती, इसकी पता नहीं, इसका पता नहीं चलता कि ये भाई ओरिजिनल है या इसकी कॉपी है। अब मैं इसकी बात करूं तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि आप मार्केट में जाएं ये दो चार चीज़ों का ख्याल रखें, आपने न्यू प्रोडक्ट ले लेनी है, क्वालिटी वाली ले लेनी है, आपने कभी भी किसी अच्छे ब्रांड की कॉपी नहीं लेनी। जब आप कॉपी लेंगे तो मार्केट में आपको दोबारा ऑर्डर नहीं मिलेगा क्योंकि उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अभी आप ये तहारत लेके जाएंगे इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है, अभी इसके 150 के पीछे आप मतलब है एक तो आप अंदर से मुतमिन नहीं, इसको सेल करने में आप अंदर से खुद मुतमिन नहीं है, और जो चीज़ सेल करने में आप खुद मुतमिन नहीं है वो कभी भी मार्केट में सेल नहीं करनी चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो जनाबे वाला ये 24 पीस मुझे परचून में ये 21 रुपये का पड़ रहा है और मैं इसे 40 रुपये का सेल कर रहा हूँ, आप इसे 25 रुपये का सेल कर दें, आप इसे 30 रुपये का सेल कर दें, दूसरे रेज़र की बनिस्बत इसमें हाफ प्रॉफिट मैं अपना रेट बता रहा हूँ, मैं दुकानों का मार्केट का रेट नहीं दे रहा, मैं अपना रेट दे रहा हूँ, आप इसे 30 रुपये का सेल कर दें, इसमें 10 रुपये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है दुकानदार के लिए, बहुत कमाल प्रॉफिट है। और 10 रुपये का मतलब आपको कितनी प्रॉफिट आ रही है। अब जनाबे वाला ये तारत रेज़र मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ आपको रेट देता हूँ जो मुझे क्वालिटी अच्छी मार्केट में जिस पर जो प्रोडक्ट लगती है, तो कोशिश दूसरी बात ये है कि मैंने तजर्बा किया है कि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर भी नहीं है, लेकिन जो जिस चीज़ की मैं वीडियो बनाता हूँ मुझे कालें आने स्टार्ट हो जाती हैं, 100 में से 10 बंदे कहते हैं कि सर हमें इसी रेट पे ये माल मिल गया, और बाकी 80-90 बंदे कह रहे होते हैं कि ये हमें इतना महंगा माल मिल रहा है। उसकी समझ नहीं मुझे आई कि वो छोटी मार्केट से पता करते हैं, या फिर मुझे जो उसका मैंने नतीजा अख्ज किया है वो ये है कि आप जब भी इस तरह की प्रोडक्ट जो मैं आपको बताऊं जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो वो आप कोशिश करें किसी बड़े शहर की मार्केट से जाके ख़रीदें। छोटे शहर में जब आप जाएंगे तो एक दो कस्टमर भी उनके पास पहले आ गए कि हमने ये चीज़ लेनी है तो वो डिमांड उसकी बढ़ जाती है, तो दुकानदार भी उसका रेट जो है ना अप करने को अप कर देता, पीछे नहीं हटता, जिसकी वजह से वो महंगा, एक तो उसके पास प्रोडक्ट थोड़ी पड़ी होती है तो वो सेल हो जाती है, जो रह जाती है उसका रेट अप कर देता है। तो आप कोशिश किया करें बड़ी मार्केट में जाके, बड़े शहर में जाके इन चीज़ों की ख़रीदारी किया करें, आपको अच्छे रेट पे मिलेगी और प्रॉफिट भी अच्छा देंगी। और ये कॉपी वगैरह इसमें अभी तक मेरा ख्याल है नहीं है, ये ओरिजिनल तहारत जो है ना वो ये एक ही है,
तो इसका रिज़ल्ट बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। आप इसे अपनी अपनी जितनी भी जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके साथ इसको ऐड करें, और जो दोस्त इसको पहले सेल कर रहे हैं मेरी वीडियो देख के वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते होंगे, उनको रेट का भी पता होगा। जो न्यू आने वाले बंदे हैं ये उनके लिए है कि आप इसका ज़रूर इजाफा करें अपनी प्रोडक्ट में। मेरे ख्याल को इजाज़त दें।